अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपने यहाँ की ईदगाह पर, जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है, और बने रहे हमारे व्लॉग में आगे तक के लिए। और ये हमारे साथी हैं, तीन चार जने जा रहे हैं हम, तो बने रहे हमारे व्लॉग में। और ये हमारे यहाँ गुलावटी का रोड है, गुलावटी को धुलाने की तरफ जाता है रोड। और ये आपको दिख रही होगा कितना पानी भर रहा है। ये हमारे यहाँ पर बाजार लगता है, मतलब कि जुम्मा बाजार बढ़ता है, बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है यहाँ पर। और ये तुम्हारे कैब भाई की कोठी है, आप कैब भाई को जानते ही होंगे। वे पोस्टर में माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कोठी बना रखी है। और माशाल्लाह हमारे यहाँ पर बड़ा मदरसा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके आगे भी पानी बहुत ज़्यादा गंदगी भर हो रही है। और ये हम पहुँच गए हैं गली में, अब आपको पहुँच कर दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा ईदगाह का। दोस्तों पहुंचने वाले हैं हम अपनी ईदगाह पर, और ये साथी चल रहे हैं हमारे आगे। और यहाँ पर तुम्हारे बड़े बिजली के झूले बनते हैं, इसे जानो इंस्टाग्राम पर, वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पर। वहाँ का कचरे का गली के बराबर में जाएगा हमारे दोस्त है ना, गाँव के बेरा उस। तो दोस्तों पहुंचने वाले हैं हम अपनी ईदगाह पर, और तुम्हें वहाँ की लोकेशन दिखावाएंगे, लोकेशन के कितनी खूबसूरत बननी है, और दिखावाएंगे तुम वहाँ की। और ये थोड़ी सी दूर और रह गया है, बस देखो ये प्लॉटिंग कट रही है यहाँ पर उधर ही प्लॉटिंग कट गई है, और ये टावर लग रहा है बड़ा यहाँ पे हमारे यहाँ, और वो ईदगाह चमक रही है हमारे यहाँ की। देख लो काफ़ी दूर आना पड़ता है अपने घर से ईदगाह की नमाज़ पढ़ने, पर यार एक साल की नमाज पढ़ने आते तो आना तो पड़े, चाहे 10 किलो चाहे 15 किलोमीटर हो। और ये खेत है इधर, उधर ही प्लॉटिंग कट रही है। चलो तो यार ऊपर को चल लो नहीं, चप्पल यहाँ कर दो। हमारे पापा ने चाबी दी थी। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों चढ़ रहा हूँ, यहाँ का ताला लग रहा है, बस एक साल में एक बार ही खुला जाता है यहाँ का ताला। और ये हमारे साथी बाहर रुक गए हैं पानी वानी पी के, मन छोड़ लो। माशाल्लाह देखो कितनी खूबसूरत ईदगाह है, मतलब कि यहाँ 3-4 हज़ार आदमी आराम से आ जाते हैं, और बाहर भी पढ़ते हैं खेत में नमाज। तो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारे यहाँ की ईदगाह बनी हुई है। और ये जिगर आपको दिख रही होगी, इस पर कम से कम 2-3 हज़ार आदमी नमाज़ पढ़ने आते हैं। और ये हमारे मौलवी साहब बैठते हैं इधर, और यहाँ छोटी सी बाउंड्री करवा रखी है इसमें मस्जिद में। और ये बाहर का प्लॉटिंग एरिया है, खेती बाड़ी मतलब कि जंगल इलाके में है। और तो ये फ्रंट है हमारे यहाँ का। तो दोस्तों व्लॉग हमारे यहीं ख़त्म होता है, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए कमेंट करें कि नेक्स्ट व्लॉग लेना है या नहीं लेना, बता देना। ओके।